के गया से, जहां नगर परिषद में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का बोर्ड की बैठक में हुआ स्वागत। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी का सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां टेकारी नगर परिषद में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद अभय कुशवाहा का बोर्ड की बैठक में जोरदार स्वागत किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि सांसद को रखा गया, साथ में नगर निगम के सभापति मोहम्मद अजहर इमाम, उप सभापति सागर दीवान, कार्यपालक राकेश कुमार झा, स्वच्छता अधिकारी पिंटू शुक्ला के साथ 26 वार्ड पार्षद में से 21 वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। सभी बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता ने अपने अपने वार्ड में होने वाले विकास पर चर्चा की। नल जल में हो रहे परेशानी को लेकर बात कही गई। वहीं नगर निगम को कैसे मोड़लाज करें, साथ ही हाईलाइट और शौचालय विश्राम गृह बनाने पर भी जोर दिया गया। वहीं अभय कुशवाहा ने टिकारी को जिला बनाने को लेकर सांसद में बात करने को मीडिया के सामने कही। नगर परिषद को और बेहतर रूप देकर सजाने को कहा, साथ में एक ऐसी मशीन जो कचरा को गलाकर 5 घंटे में 1 से 2 किलो में तब्दील हो जाए, वो मशीनें टिकारी में भी लगाने की बात कही। देखे बिहार से स्टेट ब्यूरो चीफ चैनल मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बोलिए आपका क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? अब हमारे लिए जो सूचित रहने की जगह है, जो हमारा जो पता है, ये जो लोग आता है उसकी सत्ता का क्या जा रहा है, सत्ता नहीं जा रहा है। अब हम लोग हेलो हम कोई इलावा वगैरह बस नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं ये जमकर मनाने है हमारा, अब हम ये हटेंगे।
स्वागत करते हैं हम, उस पर कोई मतलब नहीं है, चाहे उस क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ कहा जाए या वहाँ के औरंगाबाद जिला एक ऐसा जिला है, उस जिला में बिहार को मुख्यमंत्री भी देने का काम किया है। अब उसको आप जिस नाम से पुकारिए, हमें जो क्षेत्र मिला है महान मतदाता उन्होंने दिया है, हम उसको हर संभव प्रयास करेंगे सजाने और संवारने। बस ये को समझ लिया, माने टिकारी जो है आज तक सपना अधूरा है, टिकारी अगर जो है बस 8 बजे लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं कि हम पूरी जगह करके आते हैं, तो ये रेलवे लाइन का जो है सपना अधूरा है। और अब सांसद महोदय एकदम हर और युवा सांसद महोदय बने हैं, इसलिए जनता का अपेक्षा है कि एकदम इस बार रेलवे का लाइन का जो है जान बिछा दीजिएगा टिकारी में, ये एकदम पक्का हमने कह दिया। ऐसी बातें नहीं और बहुत ही और बहुत तरह का नीता रहता है वो उसके अनुसार चलता है, क्योंकि बहुत तरह की परियोजनाएं हैं। 2007 में जब आदरणीय लाल प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो खास करके इधर दो तीन परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। एक था आपका बिहटा से अरवल दौदनगर होते औरंगाबाद भाया गांधीगंज, दूसरी एक परियोजना थी जिसमें उसमें 25 करोड़ रुपया, फिर आपका एक और परियोजना था जो गया बोध गया से घाटी होते हुए वो जाता था छतरा को, ठीक है। तो ये सारी परियोजनाएं थी, लेकिन 14 के बाद सरकार बदल गई और सरकार इन 10 वर्षों में जो पुरानी योजनाएं थी उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, जबकि 25 करोड़ रुपया उसमें निर्गत विभाग का रेलवे का इसमें भी 18-20 करोड़ रुपया निर्गत है। इस बार हम लोग सदन में गए तो इन दो रेल परियोजनाओं की हमने बात वहाँ पर उठाई है और माननीय रेल मंत्री जी से भी हम लोगों का मिलने का प्रोग्राम है। हमारा ये प्रयास है कि जो कम से कम पहले जो सृजित है योजना उसको तो कम से कम पूरा कीजिए, और अभी ये जो टिकारी की आप बात कर रहे हैं ये टिकारी की तो रेल लाइन की बात आज तक कभी किसी जनप्रतिनिधि ने कहीं पर उठाया ही नहीं। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, लोग अगर चुनाव में आकर के यहाँ पर बोल देते होंगे वो वोट के दौरान, लेकिन कहीं पर कोई भी मामला अधिकारी का रेल से संबंधित अभी तक के केंद्र सरकार में उठाने तक का काम नहीं किया गया, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों का ख्याल है और उस पर प्रयास करेंगे कि हम लोग टिकारी को रेलवे लाइन से कैसे जोड़े। और इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया भी हो सकती है, आप समझ रहे हैं कि 7 में शिलान्यास हुआ, हमको याद है होगी लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, घाटी में शिलान्यास किए, उसके बाद फिर देख लीजिए क्या प्रक्रिया है, कहीं पर कोई चीज आगे नहीं हो रहा है। हम ये कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं, हमें सांसद यहाँ से बने कह के हम रेल लाइन ले आएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि आम मतदाता के साथ धोखा हो और मैं धोखा नहीं देना चाहता। चैनल मीडिया से जुड़ने के लिए आपको खाती बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आए उसके अनुसार सभी लोग मिलकर के गंभीरता के साथ काम करेंगे। लेकिन उनकी बातें जो प्रसिद्ध जी ने हमें देखा, जैसे बाबा महादेव स्थान दुकान का निर्माण, ये परिषद का अच्छा पहल है, लेकिन हमारी एक आग्रह होगी70 और 80 के दशक में भी
जैसा कि उपाध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये तो हमारा जमीन रजिस्ट्री हो गया है नगर पंचायत, अब वो जमीन कैसे रजिस्ट्री हुई, तो इस बैठक के माध्यम से इसको सेटिंग में ला करके एक कमेटी बना ली, और कमेटी बना करके सबसे पहले जिनके जिनके पास बंदोबस्ती है सर्वप्रथम तो उसकी जांच हो बाई नेम्ड किनके किनके पास बंदोबस्ती है और कितना जमीन बंदोबस्ती में है और वो बंदोबस्ती का प्रकार क्या दिया गया था, उस प्रकार को भी जांचने की आवश्यकता है। अगर उस प्रारूप प्रकार के संबंध में अगर वो बंदोबस्ती है और उसी रूप में अभी तक वो कायम है, उसका रेंट फिक्सेशन कैसे पहले हुआ था, कितना क्या वो किराया दे रहे हैं, जिस समय बंदोबस्ती हुई उस समय किराया कितना था और अभी के हिसाब से उसका किराया कितना है और उसकी वसूली जा रही है कि नहीं, उसकी सबसे पहले तो कमेटी बना करके उसकी जांच करें, और जो भी इसमें दोषी हो चाहे वो जो भी हो उस पर अविलंब नगर पंचायत के माध्यम से उस पर कार्रवाई, जहां पर छुड़ाना है आप छुड़ा लीजिए। बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बंदोबस्ती की जमीन रहे जिस पर आप बहुत बढ़िया मार्केट बना सकते हैं जिसमें नगर परिषद का आय बढ़े, आय का स्रोत बने, तो ये चीज़ को दिखा लेने की आवश्यकता है। तीसरी चीज़ है कि अभी आप लोग जो बाहर जाने की बात देखने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग देखें, तो आप लोग सब लोग बैठते हैं तो सब लोग आपस में एक राय क्यों नहीं बनाते हैं कि हम लोग किस रूप से नगर परिषद को बनाए कि लोग हमारे नगर परिषद को देखने आए। आप नगर परिषद को ऐसा बनाए कि जैसे अभी कहे ये प्रशाखा पदाधिकारी हैं आप, स्वच्छता, इन्होंने कहा कि सिरघाटी चल के देखा जाए, तो हम तो कहेंगे देखने के पहले आप नगर परिषद टिकारी को उस रूप में बना दीजिए कि गया और अन्य नगर पंचायत और अन्य परिषद है वो आपके यहाँ देखने के लिए है, तो उसका एक मास्टर प्लान बनाइए। सारे जगह पर एक दिन लगेगा, दो दिन टाइम लगेगा उसको देखने में घूमने में, ऐसे हम लोग जब यहाँ MLA थे, बन रहा है अभी भी अधूरा है, ये भी अभी अधूरा है 2,35,00,000 का, तो उस भवन को देखेगा तो ये जरूर तो कहेगा ना, पहला नाम ये नहीं लेगा कि वार्ड नंबर 13, 9, 10, सीधे कहेगा टिकारी से जा रहे थे तो बढ़िया भवन है वो देखने को मिला टिकारी, सबसे पहला नाम आएगा टिकारी, ये चीज होगा। तो बहुत अच्छा सोच है, हम चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मिल करके कीजिए। एक दो चीज हम स्वच्छता के बारे में हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आज कचरा का जो प्रबंधन है, अभी डस्टबिन वगैरह घर से उठाओ भी नहीं हो रही है और डेली अमूमन 26 को बाढ़ है, तो हमको लगता है कि 4 से 5 टन कचरा तो पर डे जरूर उसका अति होगा नगर